हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेल शेयर के बारे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, अब गवर्नमेंट इज लाइकली टू लॉन्च ए रिवर्स ऑक्शन। देख सकते हो कितना बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आया है, जस्ट 2 घंटे पहले ही निकल के आया है। सेल और जिंदल और यही दो कंपनी को मिलने वाला है एक नया प्रोजेक्ट, वो हम बात करेंगे आगे। 118 रुपये 5% अपमूव नेक्स्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देखने को मिले थे। अब देखते हैं इसका अगला टारगेट क्या रहेगा दोस्तों। जैसे कि इंटेंसिक वैल्यू बहुत अच्छा है और रिटर्न ऑन एफडी उतना अच्छा दे नहीं है, डिविडेंड उतना अच्छा देता नहीं है, एंट्री पॉइंट उस हिसाब से सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भाग चुका है और नो रेड फ्लैग AGM और GSM लिस्ट। ये एंट्री पॉइंट सही नहीं है, फिर भी ये सही है दोस्तों क्योंकि इसका टारगेट न्यूज़ ऐसा निकल के आ रहा है जो आने वाला टारगेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेटल में बूम है। 76% आपका जो एनालिस्ट है और एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है अभी भी करंट मार्केट प्राइस में, और बाइंग का रेट दिया है और सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग अगर किसी को मिला है मेटल सेक्टर में तो वो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो आप देख सकते हो जाके दोस्तों कि ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या मैनुफैक्चर करता है। एचआर प्लेट्स, कोल्ड रोल कॉयल पाइप्स, इलेक्ट्रिक सीट्स, लॉन्ग प्रोडक्ट्स सच एज थर्मो में मैकेनिकली ट्रीटेड बार, तो ये सब कुछ ये प्रोड्यूस करता है और ये ऑल ओवर इंडिया ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। अभी देख लेते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट का, देख सकते हो कि 2020 में जो भी प्रॉफिट आया था धीरे धीरे आपका और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि कमोडिटी में इंक्रीज कर रहा है और डिमांड और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिक्रीज किया प्रोमोटर होल्डिंग 10% और FII DII ये सब और पब्लिक ने बहुत ज़्यादा दबा के माल उठा है। गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग रिवर्स ऑप्शन सप्लाइंग रेल्स टू इंडियन रेलवे। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा एक न्यूज़ जो जस्ट 2 घंटा पहले ही निकल के आया है, 2 मई का है जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 मई 2021 का है। तो सबसे ज़्यादा बाइंग अगर कोई आ रहा है तो बाइंग किस में आ रहा है, सेल में आ रहा है। जुबिलेंट और कैपरी ग्लोबल कैपिटल ये सब में सबसे ज़्यादा फोकसिंग होगा, कल का बताया हुआ है। बुक वैल्यू देख सकते हो 98 का है, डिविडेंड 0.84% देता है, ROCE 8% है, ROE 6% है, बुक वैल्यू फेस वैल्यू बहुत अच्छा है। तो ROCE और ROE ये सब कुछ चेंज होगा दोस्तों, आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ दिखेगा क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है और सबसे ज़्यादा आपका मई और जून में ये आता हुआ रहेगा 2021 में। अभी देख सकते हो कि ये 50 डेज DMA को भी टच करने के लिए इनकार कर दिया है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देखा जा रहा है, 90 पे ब्रेकआउट दे के 120 के लेवल टच करने जा रहा है और 120 को भी ये ब्रेकआउट दे के 150 इसका टारगेट है दोस्तों। 170 का टारगेट रहेगा विद इन मई, आपका मई के पूरा महीने में 170 जाने वाला है। तो एक बहुत बड़ा मूव आप देख सकते हो 120 रुपये के टारगेट से। CAGR देख लेते हैं जो 1 ईयर में 275% और ये 600% CAGR 1 ईयर का हो जाएगा दोस्तों बहुत जल्द। रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है लास्ट ईयर, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसा कुछ निकल के आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड। स्टील अथॉरिटी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे, स्टील अथॉरिटी चाइना को सप्लाई कर रहे, स्टील अथॉरिटी और ऑक्सीजन के साथ साथ आपका मेटल में भी, अब इंडियन रेलवे को भी ये अपना रेल के लिए स्टील प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ROCE देख सकते हो 8% है, ROCE 20% हो जाएगा 2021 में, ये 20% के आसपास ROCE हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट कर रहा है प्रॉफिट के साथ और हर एक स्टील पर टन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। प्रोमोटर का होल्डिंग देख सकते हो कि 10% कम हुआ है, तो FII अपना होल्डिंग बढ़ा है, DII ने भी बढ़ाया है, DII ने 4% बढ़ाया है, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टेंट रखा है। स्ट्रॉन्ग बाई का अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है स्टॉक में। ऐसा वीडियो लाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करो अपने खुद का चैनल मनी मेकर को और फ्रेंड के साथ शेयर करो। फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप